दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आई है बहुत बड़ी खबर कि भाई कल से गदर का आगाज हो जाएगा। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनी पाजी के भैया बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, तो भाई कैसे होगा कल से गदर के पार्ट टू का आगाज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों भाई हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सन्नी पाजी अपने बेटे के शादी में काफी व्यस्त थे। अब भाई उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी तो पूरी कर ली है, उनके बेटे की शादी हो चुकी है और भाई खबरों के मुताबिक उनके बेटे जो है वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए भैया घर से बाहर निकल भी चुके हैं। यानी कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब सनी पाजी अपनी आने वाली अगली फिल्म को भैया बॉक्स ऑफिस पर लाने के तैयारियों में जुट चुके हैं और भाई उनकी तैयारी की गूंज कल से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंजने वाली है उनकी आने वाली इस फिल्म के एक जबरदस्त सॉन्ग के माध्यम से, जिसे आपने ऑलरेडी भाई गदर के पार्ट वन में भी सुना है। यानी कि भाई उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ये गाना जो है वो कल लॉन्च कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से उदित नारायण के मधुर आवाज में। वैसे दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब गदर का पार्ट वन आया था तो भैया इस गाने के म्यूजिक को तैयार किया था उत्तम सिंह ने, लेकिन भाई इस बार इस गाने में थोड़ी सी और मधुरता डालने की कोशिश की है भाई मिथुन ने। यानी कि भैया इस गाने को एक बार रिकम्पोज फिर से किया है मिथुन ने। लेकिन भैया इस गाने को लेकर मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, भैया ओरिजिनल वर्जन ही इतना शानदार था कि उसे क्रॉस कर पाना भैया किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए दूर की गोटी थी मेरे भाई। और भैया अभी ये जो गाना जो आने वाला है कल, इसका टीजर आज जारी भी किया गया है जो कि भैया बहुत शानदार है। कसम से आप लोगों को बताते हैं कि भैया जिस तरह से अपने हाथ में सारंगी थाम कर भैया इस गाने को गाना शुरू किया है और भाई उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद जिस तरह से अमीषा पटेल इस गाने में भाई इमोशनल होती जा रही है उसको देखने के बाद, तो ऐसा लगता है कि भाई ये जोड़ी एक बार फिर से अपने इस रीमेक सॉन्ग के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिलाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन भाई यहां पर एक बात हम आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि भैया यहां पर अगर कोई और गाना होता भाई, कोई ओरिजिनल ट्रैक होता तो मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया अनिल शर्मा ने यह सोचा होगा कि भैया पुरनका गानवा जो है ना वह गानवा काम कर जाएगा यहाँ पर। वैसे गाना आपको बता दें कि भैया गानवा तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और भाई इस गाने में सनी पाजी का भैया किरदार भी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और कल ये गाना लॉन्च हो जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको सनी पाजी की आने वाली इस फिल्म के सॉन्ग का कितनी बेताबी से इंतजार है, जो कि भाई एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है गदर के पार्ट टू के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों पर जाने के लिए हमारे चैनल यानी कि और इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मानिए अपडेट्स को जाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।